जादू की चक्की। बहुत समय पहले इजिप्ट में नूर नाम की एक गरीब नौकरानी रहा करती थी। वो अनुबिस नाम की एक लालची मालिक के पास काम किया करती थी। जब वो पूरा दिन छांव में बैठा रहता था, तब नूर और उसका भतीजा उस मालिक के बगीचे में काम करते थे। नूर फलों और सब्जियों को निकालती थी और दूसरे तरफ रा और शेख खरपतवार काट देते थे। हर रोज शाम को जब वो फल और सब्जी की टोकरी लेकर अनुबिस के पास आते थे, तो उस भारी टोकरी को वो तराजू पे रख दिया करता था। बुरा नहीं। लेकिन जब भी नूर अपनी तनख्वाह मांगती, वो हमेशा चिल्लाता था, कल वापस आना। तो नूर के पास तो पैसे ही नहीं थे, और बिना पैसे वो अपने लिए और भतीजों के लिए खाना कैसे खरीदती। एक दिन वो अलमारी के पास गई, पर वो भी खाली थी। मैं जाऊंगी और मालिक अनुबिस से कुछ खाने के लिए जरूर मांगूंगी। नूर सीधे वहाँ से मालिक के घर पर गई। दरवाजा नौकर ने नहीं खोला, बल्कि खुद आकर मालिक ने खोला। तुम क्या चाहती हो? मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ। नूर ने उसकी रसोई की ओर झांका। जब उसने स्वादिष्ट खाना देखा, तब उसे और जोरों की भूख लगने लगी। मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए, मेरे भतीजे दोनों बहुत भूखे हैं। खाना मेरे पास भी अपने लिए ज्यादा नहीं है, उसने झूठ बोला। चली जाओ। बेचारी नूर खुद के लिए ना सही, अपने भतीजों के लिए बिना खाना लिए चली आई। घर के रास्ते पर नूर को एक गुफा के सामने से गुजरना पड़ता था। अचानक उसे गुफा के अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत जोर से रो रहा था। वो अंदर की ओर गई। अरे ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है कि किसी को चोट लगी है। वो तो एक सर्पोपाट था जो पत्थरों के नीचे फंस गया था और दर्द की वजह से जोर जोर से कराह रहा था। पहले तो नूर उसे देखते ही डर गई, लेकिन थोड़ी देर तक उसे रोते कहरते देखते हुए उसे उस पर दया आई और उसका डर भी खत्म हो गया। और उसने सरपोट से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, इस बड़े से पत्थर को मैं नहीं उठा सकती हूँ। तो सरपोट ने कोने की ओर एक अलमारी की ओर इशारा किया। वो अलमारी तो सुंदर खजानों से भरी हुई थी। सोने की चक्की को नीचे उतारो और उसे मेरे पास लाओ। नूर ने उसे वो चक्की सौंप दी। देखो और सुनो। वो चक्की के हत्थे को घुमाने लगा और घुमाते घुमाते उसने कहा, सोने की चक्की कृपया मेरी मदद करो, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। और जैसे ही उसने जादुई शब्दों को कहा, तब एक फावड़ा उसके सामने खड़ा हो गया और उसने खुद से खोदना शुरू कर दिया। उसने भारी चट्टान को उठा लिया। अचानक एक और फावड़ा प्रकट हो गया, उसने भी खुदाई शुरू कर दी। फिर एक और फावड़ा आया और एक, उसके साथ एक और। कुछ समय के बाद सभी फावड़ों ने अपना अपना काम पूरा किया और सर्पोपराड ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने फावड़े बनाने बंद कर दिए और अंत में वो सर्पोपेड फिर से आजाद हो गया। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये जादू की चक्की दे रहा हूँ। बस जादू के शब्द बोलो, फिर ये चक्की तुम्हें जो चाहिए वो देगी। ओह धन्यवाद। फिर सर्पोपॉड ने नूर को अलविदा कहा। अब चक्की को बंद करने के लिए जादू के शब्दों को मत भूलो, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उन जादुई शब्दों को नहीं कहोगी। मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। अपने भतीजों को वो अद्भुत जादू की चक्की दिखाने के लिए वो दौड़ी चली गई। जब उसके भतीजों ने वो चक्की देखी, वो बिल्कुल खुश नहीं हुए। हमारा खाना कहाँ है नूर बुआ? हम खाना खाएंगे। सुनो, नूर ने हत्थे को घुमाना शुरू कर दिया। सोने की चक्की मेरी मदद करो, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। अचानक तरह तरह के भोजन से टेबल भर गई। वहाँ पर टर्की,
हैम, मसले हुए आलू, मटर और गाजर, फल, पनीर, दूध और ब्रेड था। तब नूर ने कहा, सोने की चक्की अब बंद हो जाओ। चक्की ने खाना बनाना बंद कर दिया। तब राज चिल्लाने लगा, ओ मौसी, नए कपड़े मांगते हैं ना। नूर ने जादुई शब्द कहे और पलक झपकते ही सभी के कपड़े नए में बदल चुके थे। तब सेठ ने कहा, चलो नया फर्नीचर मंगाते हैं। तब नूर ने हत्थे को घुमाया और जादू के शब्द कहे। तब चक्की ने उन्हें सुंदर नया फर्नीचर दिया। तब रा और सेठ एक साथ चिल्लाने लगे, हम अमीर हो गए हैं। वो अपने नए बिस्तर पर ऊपर नीचे उछलने लगे। बस याद रखना, कभी भी किसी को जादुई शब्द मत बताना। अगली सुबह नूर और उसके भतीजे मालिक अनुबिस के बाग में काम करने के लिए नहीं गए। नूर घर पर ही रुक गई, उसे कुछ फूल के पौधे लगाने थे। सेठ और रॉ नदी पर मछली पकड़ने के लिए चले गए। तब मालिक अनुबिस उनके घर पर आए ये पता लगाने के लिए कि नूर और उसके भतीजे उनके यहाँ काम करने के लिए क्यों नहीं आए। वो उनके घर पर नई चीजों को देखकर हैरान हो गए। वो जोर से चिल्लाने लग गए, ये सब तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम लोगों को ये सब कहाँ से मिला? ये एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं राजा के पास जाऊंगा, वो तुम लोगों को चोरी के आरोप में जेल में डाल देंगे। नूर ने उन्हें चक्की दिखाई। मैंने कुछ भी नहीं चुराया, ये चक्की मुझे वो सब कुछ देती है जो मुझे चाहिए। मालिक अनुबिस ने चक्की को उससे छीन लिया। मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। और वो चक्की को लेकर अपने घर गया और उसने चक्की को नीचे रखा और हत्थे को घुमाते हुए कहा, कृपया मुझे कुछ सोना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो गुस्से से चिल्लाने लगे, मैं सोना अभी चाहता हूँ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, मुझे पता लगाना होगा कि ये मेरी आज्ञा कैसे मानेगी। वो नूर के भतीजों को ढूंढने के लिए निकल गए, क्योंकि नूर और उसके भतीजे दोबारा कभी मालिक अनुबिस के यहाँ काम करने नहीं गए। नूर अपने ही बगीचे में काम करने लगी। दोनों भतीजे हर वक्त मछली पकड़ने में लगे रहते और वो जादुई चक्की उन लोगों को वो सब कुछ देती रही जो उन्हें खुशी से जीने के लिए जरूरी था। मालिक अनुबिस ने सेठ और रॉ को नदी के किनारे मछली पकड़ते देखा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास एक चक्की है जो तुम लोगों को जो चाहिए वो देती है। मुझे बताओ कि ये जादू की चक्की कैसे काम करती है। यह आसान है, आप बस कहिए कि सोने की चक्की कृपया मेरी मदद करो, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सेठ ने तुरंत अपने भाई को कोहनी मारी और फुसफुसाया, ये तो एक राज था। रा ने दूसरा कोई भी शब्द नहीं कहा। बहुत ही दिलचस्प। अब वो जान चुका था कि चक्की कैसे काम करती है। वो अपने जहाज की ओर भागा भागा गया। वो गांव से भाग गया ताकि कोई ये ना जान सके कि उसके पास जादुई चक्की है। उसने तो चक्की की आजमाइश ही नहीं की। फिर बीच समंदर में जाकर हत्थे को घुमाना शुरू किया। मुझे पहले इसे जांचना चाहिए, अब मैं थोड़ा नमक मांगूंगा। अपनी लालची आवाज में उसने कहा, सोने की चक्की कृपया मेरी मदद करो, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। यकीनन चक्की ने नमक बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद चक्की ने बहुत नमक बनाया और अब उसका जहाज नमक से भर गया था और भारी हो गया और वो चिल्लाया, इसे रोको, बंद करो सोने की चक्की, अरे अब रुक जाओ। लेकिन वो रोकने के शब्द को नहीं जानता था, तो चक्की रुकी ही नहीं। जल्द ही उसका जहाज वजन की वजह से डूबने लगा और आखिरकार जहाज और अनुबिस पानी में डूब ही गए। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं, वो जादुई चक्की अभी भी चल रही है और नमक बनाए जा रही है। इसलिए बच्चों, समुंदर का पानी इतना खारा होता है। कहानी समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.